नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। एक बहुत ही मतलब कि ऐसा एडजस्टमेंट है, काफ़ी बच्चों का डाउट हो रहा है सर, क्वेश्चन के बीच में ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ जा रहा है, अब उस वर्कमैन कंपनसेशन का करे तो करे क्या? तो देखिए फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल लो या फंड बोल लो, इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है वर्कमैन कंपनसेशन फंड या फिर रिजर्व। जैसे देखो मान लेते हैं एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में आपको पता है किसी भी फैक्ट्री में काफी सारे एम्प्लॉय वर्कर वर्किंग पे होते हैं और इस कंपनी के अंदर किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई ना कोई हैपनिंग हो सकता है, सिंपल सी बात है, कोई भी हो सकता है। तो जो कंपनी है ना अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा हो, जैसे कि मान लेते हैं 5 लाख का प्रॉफिट है, तो वो मान के चलती है कि 10% ना हम ना बचा के रखेंगे किसके लिए, अगर वर्कर के साथ कोई हैपनिंग होता है तो उसे कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन में ग्रेजुएटी हो सकता है, कंपनसेशन में अदर मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, कंपनसेशन में उसके फैमिली वाले को जॉब भी दे दिया जाता है कई बार। तो अगर 10% बचाएंगे तो यानी 50,000 इसने बचा लिए। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है, सपोज करो एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो डिसाइड किया कंपनी ने कि हम इसको 5 लाख रुपए देंगे कॉम्पनसेशन में। अब कॉम्पनसेशन में 5 लाख रुपए का मतलब है कि भाई 50,000 ही है, तो कंपनी धीरे धीरे शुरू से जमा करते आ रही है, तो पैसे तो बड़े सारे इकट्ठे होंगे, इसको 5 लाख रुपए देना है। तो जो ये पैसा मैं जमा कर रहा हूं ना, इसे बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले तो ये बात समझिए सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जब कभी भी कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करके बचा लेती है, ताकि इन फ्यूचर में अगर प्रॉफिट में से ही होता है, इन फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि हमें पेमेंट करना पड़ सकता है एम्प्लॉय को, क्यों, उसके हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उसकी डेथ हो जाए, कोई भी किसी रीजन से, तो उसको जो कंपनसेशन देंगे तो उसके लिए हमारे पास रिजर्व होगा, तो हम फटाफट दे सकते हैं, समझे? तो ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये सर कहाँ जाता है हमारा, जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे कहाँ जाएगा? तो सर ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का। एक होता है इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वहां रिजर्व वर्ड नहीं है, क्या वर्ड आ जाता है? क्लेम। तो सर इसमें कोई डिफरेंस है क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। अब इसके अंदर क्या हुआ, मान लेते हैं एक एम्प्लॉई है, ठीक है, ये एम्प्लॉई क्या करता है, ड्रिंक कर लेता है, ठीक है ना, और ड्रिंक करके ऑफिस से घर जा रहा होता है, वो जीने से गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ टूट जाता है परमानेंटली। अब भाई एक हाथ टूट गया, इसने ड्रिंक कर रखा था, इसके फैमिली वाले जो होते हैं, इसके फैमिली वाले वो कंपनी के ऊपर क्लेम डालते हैं कि मेरे हस्बैंड कंपनी से आ रहे थे तो कंपनी के अंदर पिलाया गया और उनके पिलाने की वजह से और वो जीने से गिर गए, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया है, और जिसके वजह से उसका फैमिली मेंबर बोलता है कि ये परमानेंट डिसेबल हो चुका है, तो इसके लिए 2 लाख रुपए कंपनी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा और एक नौकरी भी देनी पड़ेगी। अब आपको क्या लग रहा है, जस्टिफाइबल है या नहीं है? नहीं है, और हो भी सकता है मालिक ने जबरदस्ती पिला दिया तो जस्टिफाइबल है, भाई तेरी वजह से क्यों करा, और क्या पता ये झूठ भी बोल रहा, दोनों प्रोबेबिलिटी बन रहा है ना। इसने क्या करा, कंपनी के ऊपर केस कर दिया, इसके फैमिली वालों ने कंपनी के ऊपर क्या कर दिया कि सर इसके पैसे देने पड़ेंगे आपको। कंपनी जनरली ऐसे सिचुएशन में आप भी जानते हो, पागल थोड़ी है कंपनी पैसे देगी, तो कंपनी बोल रही हम थोड़ी देंगे पैसे, हमने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो कंपनी पैसे देने को तैयार नहीं है। इसने क्या कर दिया, क्लेम।
फाइनल अभी तक कुछ हुआ है? नहीं हुआ अभी तक। जो केस है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, और कोर्ट के अंदर चलने का मतलब क्या है कि अभी ना तो ये इसको पैसे मिलेंगे ना ये देगा, अभी दोनों डिस्प्यूटेबल है। इसको बोलते हैं डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट का मतलब समझ रहे हो, दोनों पार्टी का कुछ नहीं पता कि उसके क्या होने वाले हैं उसके साथ। तो सर अगर ऐसा सिचुएशन है, अभी उसके परिवार वालों ने केस कर रखा है और केस करने के बाद कंपनी अभी केस लड़ ही रही है, तो इसका मतलब कंपनी लॉ कहता है, कानून कहता है कि अगर ऐसा कोई क्लेम है वर्कमैन, तो उसे बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ये दोनों सेम है अलग अलग है? तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ तो ना ये ना तो एसेट होता है और ना ही लाइबिलिटी होता है। तो सर क्या होता है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है, जिसे कि हम बैलेंस शीट के अंदर ना दिखा के बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट में दिखाते हैं। जैसे आप ये बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट में एसेट्स लाइबिलिटी तो नीचे लिख दोगे नोट, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी ₹2,00,000 जितना क्लेम किया। तो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पता चला, उसके बाद क्या पता चला वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कहाँ जाता है। अब बताइए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ जाएगा फाइनल अकाउंट में? रिजर्व एंड सरप्लस में। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर? नोट्स में जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो अब बात आता है कि इसने केस जीत लिया, अब इसके बाद केस चल रहा था, देखो इसने केस क्या करा, जीत लिया। जब इसने केस जीत लिया तो अब कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो अब कंपनी को उसे अपने लाइबिलिटी में शो करना पड़ेगा। कहां पे शो करना पड़ेगा सर लाइबिलिटी में? एम्प्लॉय बेनिफिट में हो सकता है। अब दो सिचुएशन है, अगर केस जीत गया तो ठीक है भाई तुझे पैसे दे देंगे, बस बात खत्म। अगर इतनी तक बात हुई कि ठीक है मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तो मैं तो एम्प्लॉय बेनिफिट में डाल दूंगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के नाम से, यार देना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन। एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट में चला जाएगा, देना पड़ेगा, और सेकेंडरी चला जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में। समझ में आई बात? एक हो गया चल ठीक है जीत गया, क्या दिक्कत है, ले अपने पैसे और जा। तो एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड है, दूसरा हमने पेमेंट कर दिया या तो बैंक से माइनस हो जाएगा या फिर कैश में माइनस होगा। समझ में आ रहा है? मैं इसको पूरा बना के भी दिखाऊंगा क्या करना है क्या नाम होगा, ठीक है? तो हमारे तीन हो गए, एक हो गया सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक हो गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और एक हो गया वर्कमैन कंपनसेशन मटेरियलाइज बोल दो, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन सेटल्ड बोल दो, या फिर बोल सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेड बोल दो आप। मटेरियलाइज भी यूज हो सकता है, मटेरियलाइज, तो परेशान नहीं होना एग्जाम, इसका मतलब पेमेंट होगा। तो अब मैं सिंपल सी बात करूं तो आपके पास क्वेश्चन में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर ये वाला पॉइंट डालता है क्लेम वाला, और क्लेम वाला होगा तो कहां जाएगा आपको अच्छे से पता है। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन, अब लिख देता हूं इसी तरीके से, आप चार्ट बना के नोट कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म थोड़ा यूज कर रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन। सर वर्कमैन कंपनसेशन की बात करें, तीन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इसके आगे, या तो हमारा वर्क मैन कंपनसेशन रिजर्व होगा या फिर आपका फंड होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। समझ में आ जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। अगर आपका रिजर्व या फंड हुआ तो इट विल बी शो रिजर्व एंड सरप्लस में, बस दैट्स इट, खत्म, और कहीं नहीं, सिर्फ रिजर्व एंड। लेकिन अगर हुआ आपका वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ तो क्या होगा सर, ऐसे सिचुएशन में जाएगा हमारा फुटनोट में, किसमें, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट के अंदर कहीं भी नहीं जाने वाला। तीसरा क्या होगा सर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को पेड कर दिया या टू बी पेड हो, या तो हो सकता है आपका पेड हो या हो सकता है टू बी पेड हो। अगर हुआ पेड तो सर पेमेंट जब हो ही गया है तो दो जगह इंपैक्ट आ जाना है, एक आना है एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर, दूसरा आपका कैश या फिर, समझ में आ रहा है, दूसरा हो सकता है टू बी पेड
टू बी पेड का मतलब क्या होता है? अभी देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, एक तो जाएगा आपका एम्प्लॉई बेनिफिट में और एक चला जाएगा आपका अदर करंट लाइबिलिटी। मैंने बहुत एब्रिविएशन यूज किया ताकि मैं जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट कर पाऊं। समझ में आना चाहिए, जिसको जो वर्ड समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा। बताइए किसी को कोई समस्या कोई डाउट तो बताइए। आज लाइव क्लास का तो वो नहीं चल रहा चैट बॉक्स, तो कोई बात नहीं, जिसका दिक्कत है वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको देखो, मैं ना पुरानी वाली बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी आपने अप्लाई तो नई वाली बैलेंस शीट में ही करना है, ठीक है। अब बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, कौन कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहले की मैं बात करूँ तो सिचुएशन नंबर वन, पहला तरीका ये है बैलेंस शीट को कि हमने ये बैलेंस शीट बनाया, और स्पेशली बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा एक, मैंने एक बैलेंस शीट बना लिया, इसमें लाइबिलिटी एसेट एंड एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं, मैंने यहां बिल्डिंग लिखा, मान लेते हैं 5 लाख, और इस पे डेप्रिसिएशन लगना है 10%, इस पे डेप्रिसिएशन लगना है 10%। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और 5 लाख रुपए पे अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो आएगा हमारा, और ये फाइनली आप इधर की साइड लिख दोगे, ये मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे की बात 2010 की। अगला साल आएगा 2011, अब 2011 में आप देखोगे, 2011 में अगेन मैं पूरा बैलेंस शीट बनाऊंगा, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं, आप समझ जाना। इधर मैं बिल्डिंग लिखने वाला हूं, सर बिल्डिंग कितना लिखें, 4.5 लाख। अगेन डेप्रिसिएशन जो है यहां पे वो है 10%। अब 10% डेप्रिसिएशन है तो क्वेश्चन नंबर वन, सर डेप्रिसिएशन 45,000 या सर डेप्रिसिएशन 50,000, इसका मतलब अगर SLM हुआ तो कॉस्ट पे लगाओगे, WDB हुआ तो जो बचा हुआ है उस पे लगेगा। तो सर अगर SLM होगा तो एग्जामिनर बोलेगा क्वेश्चन में अपनी मर्जी से तो नहीं लगाना, हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन में बोलेगा, सिंपल सी बात है। मैंने बोला सिर्फ डेप्रिसिएशन, तो जब डेप्रिसिएशन बोला और कुछ बोला ही नहीं तो समझ लो कौन सा है, WDV। तो अगर WDV है तो यहां माइनस क्या करेंगे, 10% डेप्रिसिएशन, जो कि निकल के आएगा 45, अब 4 लाख। ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पहले समझ में आया SLM कब लगेगा, WDV कब लगेगा। अगर मैं अगले साल जाऊं और मैं बोलूं कि SLM मेथड लगाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, सोचो 50,000, क्योंकि वो किस पे लगता है, ओरिजिनल। तो एग्जामिनर इसलिए आपको ये प्रेजेंटेशन कई बार पता है कैसे देगा, बिल्डिंग और ब्रैकेट में लिख देगा कॉस्ट, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही बिल्डिंग या लैंड, एक क्वेश्चन भी देखा था हमने, और ब्रैकेट में लिख देगा क्या, कॉस्ट। तो उससे समझ जाना, जब भी ब्रैकेट में कॉस्ट लिखेगा ना तो समझ जाना कहीं एग्जामिनर SLM या WDV के बीच में तो कंफ्यूज नहीं कर रहा, पहला ये सियोरिटी लेना। दूसरा सियोरिटी, कहीं प्रोविजन फॉर डेप तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर इसलिए दे रखा हो, तो 2-3 बातों को वहां चेक करना होता है। तो पहले ये सिंपल सा तरीका है, ये है एक मेथड जो कि जनरली करते हैं। एक और मेथड होता है बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन को प्रेजेंट करने का, या फिर बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन को माइनस करने का,
सर कौन सा मेथड होता है देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन लूंगा मैं, और सेम क्वेश्चन में देखा जाए बिल्डिंग, और जी बिल्डिंग कितने का है 5 लाख स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, कितने का? अगर डेप्रीसिएशन 10% तो डेप्रीसिएशन 10% कितना होगा 50,000। हम 50,000 यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे पीएफडी के नाम से, और ये आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में या हो सकता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिपेंड ऑन कि कितने टाइम का ये, समझे? अब मुझे बताइए इस वाले में और इस वाले में प्रेजेंटेशन अलग है, लेकिन कैलकुलेशन मैथमेटिकल में कोई चेंजेस है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे भी आप ध्यान से देखो तो आपने 45,000 ही शो किया है, मतलब 50,000 डेप लगा के 4,50 ही लिख रहे हो, क्योंकि एक लाइबिलिटी एक एसेट्स दोनों कंपनसेट, और यहां पे भी वही लिखा है। अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर जाएंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर जाएंगे अगेन हम यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग लिखेंगे फिर से कितने का 5 लाख का, और अब जो मैं लिखूंगा पीएफडी, यानी पीएफडी का मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 50,000 पुराने वाला प्लस नए वाला। अब नए वाले मुद्दे की बात है, सर कौन सा मेथड लगाते हो? अगर मैंने लगाया एसएलएम तो अगेन 50,000 जोड़ दोगे कॉस्ट पे। अब देखो अगर एसएलएम हुआ तो आप फटाफट यहां से लगा दोगे, लेकिन यहां वाले में एसएलएम हुआ तो आपको बैक डेट पे जाना पड़ रहा था कॉस्ट के लिए। तो जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें जो अमाउंट गिवन होगा वो क्या होगा? ऑलवेज कॉस्ट ही होगा। एक ये भी बात समझना है, समझ रहे हो? तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर WDB है तो 45,000 और ये टोटल कितने आ गए? अब बताइए इस साल में नेट कितना आ रहा है? 4 लाख, और यहां पे भी कितना आ रहा है? 4 लाख। तो ना डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन कैलकुलेशन प्रोस्पेक्टिव से फर्क कोई नहीं पड़ता। तो सर अगर हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर देता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास सिचुएशन यही है, यहां पे आपको बिल्डिंग भी है और क्या है पीएफडी भी है, और ये दोनों बातें आपको कहां दिया होगा? ट्रायल बैलेंस में। जैसे आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया, जैसे सपोज आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया, और इस ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं लिख दूं बिल्डिंग 5 लाख रुपए और पीएफडी 95,000, तो इसका मतलब क्या समझे? इस बिल्डिंग में से डेप माइनस हुआ है क्या? नहीं हुआ। अगर मैं बोलूं एसएलएम लगाने को तो किस पे लगाओगे? 5 लाख पे लगाओगे। WDB बोलूं तो 5 पे नहीं होगा। यानी अगर इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रखा हो और मैं नीचे लिख दूं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि ये SLA में लगेगा या WDB लगेगा? कुछ नहीं बोला तो WDB। अगर WDB लगेगा तो हम कैसे लगाएंगे? एक बनाएंगे हम कौन सा, PPE बनाते ना, एक नोट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, नोट बनाया और यहां लिखा बिल्डिंग 5 लाख, और ओल्ड वाला डेप्रिसिएशन माइनस करो दो प्रोविजन 95, बचा कितना 4 लाख, और यहां माइनस कर दो फिर से डेप्रिसिएशन। एक तो मेथड ये हो गया, बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत है तो है क्या कोई दिक्कत? लेकिन वही क्वेश्चन में कहता लगाओ SLM, अगर वही क्वेश्चन में कहता लगाओ SLM, मैं फॉर्मेट बताना चाहता हूं कि हम एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, यहां कर रहा हूं मैं। अगर एग्जामिनर कहता लगाइए SLM, तो मैं नोट्स बनाता PPE का, और यहां लिखता मैं बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितने का 5 लाख का, ओल्ड वाला यही माइनस कर देता 95,000, और जो न्यू करंट ईयर का है वो SLM है तो मैं कितना लगाता, ओल्ड वाला तो 95 होता ही नहीं ना, ओल्ड वाला कितना होता 1 लाख, या मैं मान लेता हूं ओल्ड वाला माइनस ही कर देता हूं PFD में, और करंट वाला क्या लगेगा 50,000। पहले देखिए
अब सर एडजस्टमेंट में क्या होगा, इसकी डबल एंट्री करेंगे और इसकी कोई एंट्री करेंगे, कोई एंट्री नहीं, आपने यहां माइनस कर दिया मतलब एंट्री हो गया। एंट्री किसकी करेंगे, इसका, कहां, आपका स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन के अंदर। इस केस में भी कितना होगा आपका बताओ, ये देखो दो डेप्रिसिएशन है, ये भी डेप्रिसिएशन है, ये तो बताओ ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में 50 लिखे 95 या 145 सिर्फ जाएगा, पुराने वाला सिर्फ माइनस करके दिखा दो, ठीक है, समझ रहे हो बात को, और जो नए वाला है वो एज पर रिक्वायरमेंट डेप्रिसिएशन लगा दो। अगर SLM बोला है तो कॉस्ट पे लगा देंगे, कॉस्ट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, WDV बोला है तो माइनस करके लगा देंगे। तो ये मैंने आपको समझाया एज पर W और ये वाला एज पर SLM, समझ में आई बात आपको, थोड़ा इसको और फेयर कर देते हैं अगर नहीं आ रहा तो। हम सबसे पहले लिख रहे हैं यहां पे बिल्डिंग और ये लिखा हमने 5 लाख, पहले ओल्ड वाला प्रोविजन माइनस करेंगे जो कि है 95,000 और माइनस करने के बाद आ गया 4 लाख। अगर SLM है तो अब लगाएंगे डेप्रिसिएशन जो बताओ कितना लगेगा, 50,000, ठीक है ना। करंट ईयर के अंदर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा और यहां से भी क्या जाएगा, 45। तो आपको कैसे पता चलेगा जी ये प्रोविजन फॉर डेप है, इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा। और एक एसेट्स पे नहीं, हो सकता है दो एसेट्स पे हो, तीन एसेट्स पे हो, तो कैसे पता चलेगा प्रोविजन फॉर डेप वाला है ये, उसमें प्रोविजन फॉर डेप बोलेगा या बोलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों में से कोई बात बोलेगा। तो आप समझ जाना, आप SLMWBD तो मुद्दे की बाद में बात है, इस प्रोविजन को कहां दिखाए उसी एसेट से माइनस करके आगे बढ़ते जाना, समझ गए। बाकी इसके प्रेजेंटेशन करने के दो तरीके हैं, एक हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन या लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर दिखा दें, जैसे कि ये प्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहां पे, कहां गया ये भी तो बैलेंस शीट ही है, तो इसका प्रेजेंटेशन कैसा है, इसका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि एसेट्स अलग लिख रहे हैं लाइबिलिटी, और इसका प्रेजेंटेशन कैसा है, एक ही में एडजस्टमेंट मार दिया। तो जो मैं ये सिखा रहा हूं पीपीई को बनाने के लिए वो किस प्रेजेंटेशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ये 1 के हिसाब से बता रहा हूं या 2 के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 1 के हिसाब से पीपी मैं जो नोट्स बनाए हैं 1 के हिसाब से बनाना है नोट्स, क्योंकि डेप भी हम किस में से माइनस कर रहे हैं, पीपी में से। अगर 2 के हिसाब से चलोगे तो डेप तो माइनस करोगे ही नहीं, तो डेप माइनस नहीं करोगे तो अलग से एक प्रोविजन क्रिएट करोगे जो कि फालतू में अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका, ये वाला ठीक कर लोगे, समझ में आई बात आपको। तो एग्जाम में भले ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हो, लेकिन हम क्या करेंगे उस एसेट्स में से पहले क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन, और फिर माइनस क्या कर देंगे फाइनली हम लास्ट में जो बचेगा डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया वही जाएगा सिर्फ स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रोविजन की कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ माइनस करने के काम आएगा, समझे बात। तो ये था हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, तो इसको नोट करना है, इसी तरीके से नोट कर लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, नया हेडिंग डाल देना के WDV से होगा तो कैसे करेंगे और इसमें होगा तो कैसे करेंगे, फटाफट नोट करिए। बिल्कुल, अब जिसका डाउट है वो पूछ लीजिए। एक एडजस्टमेंट करते हैं, मैंने एक एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस लिख दिया है 268,140। सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस होता क्या है बताओ, किसी चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो खर्चा है वो एस्टेब्लिश एक्सपेंस है। तो सर ये एस्टेब्लिश एक्सपेंस जाएगा कहां, अगर बात करें तो खर्चा है, ओई मतलब, यानी आप सभी स्टूडेंट इस बात से एग्री करते हैं कि सर ये अदर एक्सपेंस का पार्ट है, क्लियर, जो भी बनेगा अदर एक्सपेंस में नोट में चला जाएगा ये, यानी मैं आपके लिए क्या करता हूँ, आप जो कह रहे हैं उसके लिए एक नोट भी बना लेता हूँ मैं, और किसका नोट बना लिया, अदर एक्सपेंस का, और आ गया एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 268,140, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, स्टेटमेंट क्या लिखा मैंने, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इंक्लूड मैनेजर कमीशन,
मैनेजर कमीशन या फिर मैनेजर रेम्यूनरेशन है? मैनेजर कमीशन मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मैनेजर कमीशन ले लेते हैं, ठीक है आप, या रेम्यूनरेशन ही ले लो, चलो रेम्यूनरेशन एंड पेड टू मैनेजर 1,00,000 रुपए। सर इस सेंटेंस का मतलब क्या? हालांकि बुक में एडजस्टमेंट है, वो क्या कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 60,000 पेड टू मैनेजर हु एंटायर्ड रेम्यूनरेशन रुपीज 1,00,000। कहने का मतलब क्या है, मुद्दा क्या है, ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है जी इसके अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो है ना, और रेम्यूनरेशन किसका पार्ट होता है? सर रेम्यूनरेशन पार्ट होता है सैलरी का, तो सर रेम्यूनरेशन कहाँ जाना चाहिए? एम्प्लॉय बेनिफिट। तो मैंने कहा जो सर ये जो दे रखा है ना, इसके अंदर मैनेजर का सैलरी जुड़ गया है, तो इसका मतलब अदर एक्सपेंस गलत जा रहा है नोट। अदर एक्सपेंस का नोट क्या हो रहा है हमारा बताओ? गलत जा रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? यहां से हटा देना चाहिए मैनेजर का सैलरी, एमएस लिख रहा हूं मैं मैनेजर सैलरी को, कितने घटा देना चाहिए जो जुड़ा हुआ है हिस्सा भाई, और इसको एक नए जगह पर उठा के ले जाना चाहिए जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट, और यहां पे आ जाएगा मैनेजर का सैलरी 60। यहां तक देखिए, आगे क्वेश्चन में कहता है हाँ मैनेजर का जो सैलरी था लेकिन था 1,00,000, 40 और देने चाहिए उसको, तो इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने, तो ये हो गया 1,00,000, और यहां से भी घटा दिया, तो इसका एडजस्टमेंट क्या होगा कि एक तो इसके अंदर जो पार्ट इंक्लूडेड है उसको हम क्या कर देंगे माइनस, दूसरा उसे एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर दिखाएंगे, और एम्प्लॉय बेनिफिट में जो टोटल बोला है ना इसने बाद में मैनेजर टू बी पेड 1,00,000 रुपए, तो वो टोटल उसका 1,00,000 है, जिसमें से 60 तो मुझे पता है, बच कितने गए 40, वो 40 हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की बात करें तो इसकी डबल एंट्री कहां जाएगी? देखो हर किसी की डबल एंट्री होती है ना, एक यहां माइनस हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट में चला गया कैंसिल, और ये चला जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी, नोट कर लीजिए। और कौन सा पॉइंट डाउट में था क्वेश्चन 11 में बताइए, क्वेश्चन 11 का पॉइंट है बेसिकली ये बुक के अंदर जो आपका है,